हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि सब स्टेशन और स्विच यार्ड में हम लोग बैटरी का यूज क्यों करते हैं। बैटरी का नाम लेते ही मन में एक तो बात आती होगी कि डीसी सप्लाई, कि हम लोग डीसी सप्लाई को सब स्टेशन और स्विच यार्ड में क्यों करते हैं। वहाँ पे तो हमारे एसी सप्लाई को ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग डीसी को यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सब पॉइंट को हम लोग कवर कर लेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे। मोदी जी तो हूँ नहीं कि मन की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब स्टेशन स्विच यार्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं। मींस एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, प्रोटेक्शन रिले हो गया। सर्किट ब्रेकर है तो मान लीजिए SF6 है, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो इसका ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल जो एनर्जाइज्ड होता है, मींस ऑपरेट होता है, वो डीसी पे ऑपरेट होता है। साथ ही में इसमें हम लोग कंट्रोल सर्किट जो होता है, हमारे जितने भी पैनल होते हैं हमारे सब स्टेशन और स्विच यार्ड के अंदर, वो सबका कंट्रोल वायरिंग में हम लोग डीसी का यूज करते हैं। इसका भी एक अलग एडवांटेज है डीसी का यूज करने का, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा सब स्टेशन में क्या होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है। पूरे ब्लैकआउट हो जाने की वजह से जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी सप्लाई नहीं रहेगा एसी, क्योंकि आप जानते हैं कि एसी सप्लाई को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जितना इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है उतना ही एसी हम लोग जनरेट करते हैं। देखिए, स्टोर करके हम लोग सिर्फ डीसी ही रख सकते हैं, हमें पता है ये चीज़ें। तो इसलिए क्या है कि जब ब्लैकआउट हो जाता है हमारे सब स्टेशन में, तो उस समय हमारे पास सप्लाई एसी तो मिलेगी नहीं, उस समय हमें काम आती है डीसी। इसके वजह से हमारा जितने भी कंट्रोल वायरिंग किया जाता है सारा के सभी क्या होता है डीसी पे वर्क करता है। उसमें इंडिकेटर लगे रहते हैं। अब मान लीजिए ब्लैकआउट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस समय इंडिकेटर तो एसी पे रहेगा, तो उस समय इंडिकेटर हमें इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में क्या है, हमारा जो पैनल है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो अगर हमारे डीसी को हम लोग यूज करते हैं तो उस समय हमें सप्लाई पावर सप्लाई जो एसी चले जाने के बाद भी हमें पता लग जाती है कि पावर जाने के बाद से हमारा कंट्रोल पैनल या हमारा लाइन हेल्दी है कि अनहेल्दी है। साथ ही में जो डीसीएस होता है सब स्टेशन और स्विच यार्ड का, उसमें भी जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं सभी का सप्लाई हम डीसी से करते हैं, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डीसीएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ से हमें कंट्रोल करने के लिए अब तो डिपेंड एसी पे नहीं रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एसी पे हम डिपेंड रहते हैं तो मान लीजिए कि पावर कट हो जाएगा तो, और एसी को हम स्टोर ही नहीं कर सकते तो उसको यूज कैसे करेंगे, सारा सिस्टम ब्लैकआउट हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग डीसी को स्टोर कर सकते हैं, तो डीसी का हम लोग ब्लैकआउट होने के बाद भी यूज इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब स्टेशन स्विच यार्ड में हम लोग बैटरी का यूज इसीलिए करते हैं ताकि ब्लैकआउट जब भी हो जाए तो हमारा डीसी बैटरी में क्या होता है डीसी सप्लाई डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए हमें उसे बाद में यूज कर सकें। साथ ही में जितने भी हमारे सब स्टेशन और स्विच यार्ड में लगा रहता है इक्विपमेंट्स, वो सारे डीसी पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।